जय श्री राधे, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। रेखाओं के सहारे यानी कि जो भी आपके प्लैनेट्स के जो मेन लाइंस हैं उनके सहारे अगर कोई सिंबल बनता है तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और जिस भी ग्रह पर बनेगा उस ग्रह क्षेत्र से उस माउंट के रिलेटेड जो भी कुछ बेहतर होना होगा या जो कुछ भी बेहतर फल होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे सन के इस लाइन पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस क्षेत्र में रेखाएँ नीचे की तरफ गई हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, नाम देगा, शोहरत देगा, अच्छा पद देगा और जो सफलता आप अपने जीवन में चाहते हैं समय से आपको प्राप्त होने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आत्मबल देगा मुश्किलों से लड़ने की और जो कुछ भी चाहते हैं, जो जज्बा है या जो सपने हैं उसे पूरा करने की शक्ति देगा। यहाँ पर इसके अलावा भी मान लो यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन जाता है, ऐसे में क्या करेगा, जब भी कुछ व्यवधान आएंगे, जब भी कुछ मुसीबतें आएंगी उससे आपको बचाएगा और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके लिए मौके तलाशने का काम करेगा, मौके तैयार करने का काम करता है ताकि आप तेज़ी से तरक्की करें और तेज़ी से जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। अगर सन की कंडीशन यहाँ पे आपके लिए बेहतर है तो निश्चित तौर पे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कांति ये जातक को यहाँ पर प्राप्त होनी ही होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो, ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर क्या है कि छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है कि वलय की स्थिति को यहाँ पर दिखाने का काम कर रही है। जब भी ऐसी स्थिति सूर्य के इस ऊपरी शिखर के क्षेत्र में बनेगा ये आपके लिए हमेशा चाहे कितने भी मौके, अगर मान लो बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपके विरोध में चली जाए लेकिन उस परिस्थिति में भी आपके लिए एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और आपके पास मौके हमेशा बने रहते हैं। ज़रूरत होती है अपने हौसले को बनाए रखने की, अपने जज्बे को बनाए रखने की और मेहनत से पीछे नहीं हटने की। अगर इन चीज़ों के साथ आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर चीज़ें हमेशा आपके लिए उसी प्रकार से सुंदर यहाँ पर बनी रहने का काम करती है। बाहरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सीधा सन माउंट के बिल्कुल सेंटर में टारगेट करती है, यहाँ पर बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं स्वतंत्र एक त्रिभुज की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन पड़ी है। ये अत्यंत शुभ है, एक पूरे अपने जो इनका पूरा जिसे आप कह सकते हैं कि पावर, जो इनकी पूरी शक्ति है वो पूरी शक्ति यहाँ पर जातक को देने का यहाँ पर काम करते हैं। और इनके सहयोग से रेखाओं के मध्य में जो यहाँ पर एक छोटे से त्रिभुज की स्थिति बन रही थी जिसके संबंध में अभी मैंने आपको बताया, तो ये पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर जातक के लिए परिस्थितियों को उनके अधीन करने का काम करेगा और लगातार जीवन में आने वाली सफलताओं को इंगित करने का ही काम कर रहा है। यानी कि आपने एक कोई जॉब ले ली, आपने कुछ एक काम कर लिया, फिर आने वाले समय में आप कुछ और कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन सब में मिलने वाली सतत सफलता की एक स्थिति को प्रदर्शित करने का है यह स्पष्ट काम करता है। कई बार होता है ना, आप फलाना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें क्या वैसी ही सफलता मिलेगी, उतना ही सब कुछ आपके लिए नेम फेम की कंडीशन बनेगी, उन सबको यहाँ पे दिखाने का काम करता है। अब जैसे कि हार्टलाइन है, हार्टलाइन से संबंध होके चल रही है। देखो, जब भी रेखाओं के साथ किसी और के साथ संबंध करेगी नहीं तो उस रेखाओं के बल को जो है वो बढ़ाएगी और अपना 50% तक योगदान यहाँ पर जातक के लिए देती है। सूर्य के ही इस क्षेत्र में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है तो ये अत्यंत शुभ है। ये आपके जो हृदय रेखा की स्थिति है इसे भी बेहतर करने का काम कर रहा है और इस पूरी पर्वत क्षेत्र को भी शक्ति प्रदान करने का काम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर रहा है। तो मानसिक तौर पर अगर आपकी यहाँ पर विजय आप अपनी बरकरार रख पाते हैं तो निश्चित तौर पे हर तरीके से यहाँ पर आपकी विजय आपको प्राप्त अवश्य होगी। बुध के क्षेत्र में देखेंगे तो एक से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी और सब जो है यहाँ पर ऊर्ध्व रेखा की स्थिति में यानी ऊपर बढ़ती स्थिति में है, जो कि स्पष्ट तौर पर एक बेहतर एकेडमिक लाइफ को और एक फ्यूचर को दिखाने का काम कर रही है। अब नीचे के क्षेत्र में जाएंगे और ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो एक खास रेखा है उसके संबंध में जानेंगे, जो कि केतु के क्षेत्र में बन रही है। इनके बनने से ये आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने का क्या का काम करती है और जातक के लिए आर्थिक तौर पे और कुल वृद्धि के योगों को भी ये बढ़ाने का काम करती है। यानी कि विवाह से पूर्व और विवाह के बाद तक होने वाली एक सतत विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में यहाँ पर ऐसे चिन्ह की स्थिति हो, व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होगा, धर्मशील होगा और अपने जीवन में बड़े मुकामों को प्राप्त करेगा। बस उसे ध्यान रखना है कि जज्बातों में बह के किसी चीज़ को नहीं करना है कुछ, अपने आत्मबल को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है।
अपनी एक स्ट्रांग फीलिंग हमेशा बना के रखनी है, जो शास्त्रोक्त पद्धति है उसी अनुसार चलने की जरूरत है, जो माता पिता के संस्कार परवरिश है उसे ही हमेशा आत्मसात करके रखने की आवश्यकता है। जीवन में कभी पीछे मुड़के नहीं देखेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, हमेशा सिर्फ विजय ही प्राप्त होगी। ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो चंद्र से निकली रेखा जो कि व्यक्ति के विदेश प्रवास की एक स्थिति को भी दिखाती है, उससे निकली रेखा स्पष्ट करती है कि कैसे जातक अपने ज्ञान के बदौलत देश से लेकर प्रदेश तक अपना लोहा बनवाएगा अपनी प्रतिभा का, और जीवन को और भी ज़्यादा यहाँ पर उन्नत करता जाएगा, चाहे वो नाम के मामले में हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ही एक बेहतर लक्ष्मी सिंबल की स्थिति बन रही है, जिससे कि आर्थिक तौर पर एक बेहतर जीवन को स्पष्ट करने का काम करता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिंबल जो कि सांकेतिक तौर पर हथेली के द्वारा आपको हमने बताए हैं। आपकी हथेली में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, एक छोटे से परिवर्तन के कारण बहुत कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। तो उसके आधार पे हर व्यक्ति का यहाँ पर जो है अलग फलसफा होगा, अलग विवेचना होगी और उसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग होंगे। एक तरीके से सांकेतिक रूप से आपके समझने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो, जय जय श्री राधे।